well, yard. हेलो जी, क्या हाल चाल, वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं हूं आपका दोस्त प्रत्युष सैन हिस्नेद्दीन, स्वागत है। तो जी दोस्तों, इस वीडियो के सीन कुछ ऐसे हैं कि आज हम चलेंगे मंडी, और मंडी में हम जाएंगे ब्रोट वैली, जो कि काफी प्यारी वैली है यार। और उसका ना कांगड़ा से डिस्टेंस है 106 किलोमीटर। तो यहां से हम निकलेंगे यार, तो टाइम हो चुका है 1:30। तो चलो शुरू करते हैं इस राइड को और ले चलते हैं आपको जन्नत की तरफ। चलो जी, अब मेन हाईवे पे हम पहुंच गए हैं और जो अपनी राइड है वो होगी है शुरू मंडी के लिए। अरे एक ये बुलेट है, एक वो बुलेट है, दोनों आज जा रहे हैं इकट्ठे काफी दिनों के बाद। पहले हमने एक राइड की थी यार जीवी की, तो वहाँ की वीडियोस अगर किसी ने नहीं देखी है ना, तो वो वाली वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो। और जीवी के बाद आज प्लान बना है यार ब्रोट वैली का। तो सामने पहाड़ों का व्यू भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। आज वैसे भी बादल हैं, तो बारिश आने वाली है और ऊपर पहाड़ों पर बर्फ गिरने वाली है, बिल्कुल वाइट हो जाएंगे। फिल ये थोड़ी सी कसर रहती थी, हम लोगों ने फुल करवा लिया है टैंक। अब चलते हैं यार अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। तो लो जी, पालमपुर में आपका स्वागत है। और शाम को तो काफी प्यारा वेदर होता है यार यहाँ पे। सामने देखकर क्या ही सही व्यू लग रहा है, वाह। जब यहाँ पे बर्फ गिर जाएगी ना, जब पहाड़ बिल्कुल वाइट हो जाएंगे ना, तब आएगा यहाँ पे मजा। ट्रैफिक काफी ज्यादा, इतनी ज्यादा स्कूल बसेस ही बसेस हैं यार। चलो धीरे धीरे हम भी निकलेंगे, देखते हैं। चलो जी चलो। तो लो जी, बैजनाथ में आपका स्वागत है। ग्रीन लाइट, जल्दी जल्दी चलती, 4 सेकंड, 3, 2, 1, रेड लाइट होने वाली है। वागो, चलो जी बच गए। अगर 1-2 सेकंड में लेट होते ना, तो हमें यहाँ पे वेट करना पड़ता। तो ये है बैजनाथ का मंदिर, हर हर महादेव। हमारी जो राइड है बिल्कुल सही सलामत रखना। भोले बाबा का नाम लेके अब हम चलेंगे आगे की तरफ, हर हर महादेव। मंडी डिस्ट्रिक्ट वेलकम्स यू। तो लो जी, आपका स्वागत है मंडी डिस्ट्रिक्ट में। यार यहाँ पे आके तो ना अलग ही टाइप की पावर आ जाती है यार। जो ये रोड है ना, मेरे को काफ़ी प्यारा लगता है, मेरे को तो काफ़ी मज़ा आता है यार इन रोड में राइड करने का। अगर आपको भी ऐसे रोड पसंद है तो आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यार कि आपको भी यहाँ पे राइड करने का मज़ा आएगा। दोनों तरफ पेड़ हो और ऐसा प्यारा सा रोड हो और आप चल रहे हो यार, क्या बात है। और ऐसी ऐसी हसीन वादियाँ हो, वाह यार। हिमाचल टूरिज्म वेलकम्स यू, द वर्ल्ड फेमस पैराग्लाइडिंग साइट। तो यार बीड़ बिलिंग जाना, तो ये है लेफ्ट रास्ता। और अगर आपको बीड़ बिलिंग की वीडियो देखनी है, तो उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप देख सकते हो कि कैसी लोकेशन है। ओहो ओहो, नहीं जी नहीं, अरे अरे, ओहो 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 ओहो, टू क्लोज। तो यार ये है मंडी के पहाड़ सामने, और ये है मंडी की हसीन वादियाँ। और यहाँ से जोगिंदर नगर रह चुका है 7 किलोमीटर, और सामने आती हुई हमारी हिमाचली क्वीन HATC। कितनी प्यारी लग रही है यार पहाड़ों के साथ, और ये HATC, वाह यार। सामने ना पहाड़ है ना, बीच में एक छोटा सा घर है यार, और इस साइड तो पूरा शहर ही लग रहा है, लेकिन वो घर अकेला है। यहाँ पे पहाड़ों पे ना आपको काफ़ी जगह ना अकेले अकेले घर मिलेंगे। कुल्लू 115, मंडी 48, मनाली 155। अब तो मंडी के भी काफ़ी क्लोज आ गए हैं यार। जितना हम ब्रोड पहुँचेंगे ना, उतना मंडी है, मेन मंडी जो है
हमने तो पीछे से टर्न ले लेना यार, बस आने वाला है वो जगह। काफी ज्यादा ट्रैफिक है यार यहाँ पे, दोनों ओवरटेक करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आगे एक ट्रक या बस आ जाए ना तो बस फिर उसके पीछे चलते रहो। पर हमें क्या, अब हमने तो वाला रोड छोड़ देना यार, हमने यहाँ से ले लेना लेफ्ट टर्न आगे से और सीधा ब्रोड। ओ, 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 ओ भाई थैंक यू। अब इस हाईवे को करेंगे बाय बाय और यहाँ से लेंगे लेफ्ट टर्न पालमपुर जोगिंदर 15 ब्रो 25 किलोमीटर ये। अब ये सारा रोड पहाड़ों वाला प्यारा सा रोड होगा यार। सो गाइस आज फाइनली अभी हमने जो मंडी वाला जो मेन हाईवे ना उसको कर दिया, हमने बाय बाय आ पहुंचे हैं ब्रोड वाले रोड पर। यहाँ पे हमें एक व्यू पॉइंट दिखा काफी सही था तो हमने सोचा यहाँ पे। बाय बाय। अब यहाँ पे बिना आगे काफ़ी सही से व्यू देखने को मिलेंगे। ये तो सारे रोड काफ़ी प्यारा है यार, बस थोड़ा कंजेस्टेड है लेकिन प्यारा काफ़ी है। यहाँ तो पूरी जीवी वाली फील आ रही है यार, जो जीवी है ना वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रोड और ऐसे ही पेड़ हैं। पूरी यहाँ पे जीवी की यादें ताज़ा होगी यार यहाँ पे आके। अब तो जितना आगे जाते जाएंगे ना उतना ही सही व्यू होता जाएगा। अब तो अंधेरा भी होने वाला है यार, अभी टाइम हो चुका है 4:32, 4:30 बजे पहुँचे हम यहाँ पे। अगर आप बिना यहाँ के रोड ऐसा व्यू का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो जल्दी से ब्रोट आ जाओ यार, ये सही मौसम है ब्रोट आने का। बरसात में तो यहाँ आ नहीं सकते बिकॉज़ काफ़ी रिस्की होता है, काफ़ी ज़्यादा लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती है, रोड खुद ही देख लो कितना सा है, तो रिस्क तो रहता ही है। तो बेस्ट मौसम है यार यहाँ पर आने का। ओह माय गॉड काफ़ी रिस्की रोड है यार ये तो ठीक रहा यार हम टाइम से आ गए थे घर से, तो अंधेरा होने से पहले पहुंच जाएंगे, नहीं तो अंधेरे में भी तो यहाँ पे चलना थोड़ा रिस्की है यार। नए बंदे के लिए जो लोकल है वो तो कोई चक्कर नहीं, वो तो चलते होंगे इजीली, लेकिन जो नया यहाँ पे घूमने आएगा ना उसके लिए तो थोड़ा मुश्किल है यार। तो अगर आप भी आ रहे हो तो ऐसा करो दिन में यहाँ पहुँचने की ट्राई करो यार, शाम को 5-6 बजे तक आराम से। तो यार ये चीज़ ना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी और ओल्ड हिमाचल में, मेरे को भी नाम नहीं पता वैसे, नहीं तो आपको नाम ज़रूर बताता यार, काफ़ी प्यारी लगती है यार। जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं इसमें घास वगैरह इकट्ठा करके लाते हैं अपने पशुओं के लिए, इतना मेरे को पता है। अब हम अपना पहले ना गेस्ट हाउस ढूंढेंगे कहाँ जैसे है, फिर वहाँ पे बुलेट वगैरह लगाएंगे और फिर आपको ना थोड़ा सा नाइट व्यू भी बताएंगे यार ब्रोट वैली का। जो अपना गेस्ट हाउस है वो है फिशरी डिपार्टमेंट का, तो अंकल ने बताया वहाँ पे आगे जाके, और जो मेन लोकेशन है ब्रोट की तो सारी मेन ही है, मतलब एक जो यहाँ पे ब्रिज है काफ़ी ज़्यादा लोकेशन।
करके हम पहुंच गए अपने रूम पे। थोड़ी सी ना ब्रोड की मार्केट घूमी, डिनर वगैरह किया, और बाहर तो ना इतनी ज्यादा ठंड हो गई है ना, पूछो मत यार, काफी टेम्परेचर डाउन हो गया। अब जिधर में हमारा डाटा वगैरह भी हम लैपटॉप में कॉपी करेंगे, फिर सो जाएंगे और सुबह एक्सप्लोर करेंगे ब्रोड वैली को। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ क्या लगा। बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून।